अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो थोड़ा सा मेरा बीपी लो हो रहा है, टक्कर आ रहा है, उठने का बिल्कुल दिल नहीं करा, दिल करा बस सो ही जाऊँ सो ही जाऊँ सो ही जाऊँ। और सोचा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा सो जाऊँ, बैठू आराम करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो मेरे शौहर साहब है वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। और उन्हें मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा उठने का कुछ काम करने का, तो ही सेड इट्स ओके सो जाओ तुम, कोई बात नहीं आराम करो। तो अभी फिर क्योंकि कुछ मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने कुछ पकाया भी नहीं, और वैसे भी कल 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, काफी सारी चीजें इर्द गिर्द से आई थी, कहीं से चावल कहीं से बिरयानी कहीं से नान हलीम कहीं से मीठे चावल, तो वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे नान हलीम ला के दे, बिकॉज कल 12 रबीउल अव्वल थी, घर में आई तो लेकिन मैंने खाई नहीं, क्यों नहीं खाई। तो मैंने कहा मैंने नान हलीम खानी, मेरा दिल कर रहा मैं नान हलीम खा लूँ। तो वो नान हलीम लेने के लिए मेरे लिए गए हैं, क्योंकि वो पहले जा रहे थे काम करने, तो कहते हैं मैं पहले तो मैं नान हलीम ला कर दे देता हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा है मेरी आंखें भी आज पता नहीं क्यों स्वेल स्वेल सी लग रही है, आई डोंट नो पता नहीं क्यों स्वेलिंग हो जाती है। ये देखो यार ये वाली आंख ये स्वेलिंग, और बस आज मैं सारा दिन बस आराम करूंगी, टीवी देखूंगी, सुकून करूंगी, कोई सफाई सफुई मेरे नहीं करनी। अभी कमरा वैसे साफ है, रात को मैंने साफ किया था, तो अब मैं नहीं करूंगी साफ, छोड़ो तक कोई आना तो है नहीं, किसी ने किसने आना है हमारे घर, हमारे घर कोई कमी आता है पता नहीं। गर्मी हो रही है, इतनी सारी गर्मी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि गर्मी क्यों हो रही है। लाइक मौसम काफी बेहतर हो गई, इतनी हब्स होनी ही चाहिए पर फिर भी इतनी ज्यादा हब्स हो गई है। तो पहले एसी चलाऊंगी, फिर मैं अब्दुल्ला खाना लाएंगे, फिर मैं नान हलीम खाऊंगी। अब्दुल्ला ने अपने काम से कहीं जाना है और वो अपने काम से जाएंगे, इसका मतलब है कि मैं आहत को सुलाऊंगी और शायद उसके साथ खुद भी सो जाऊं। सबसे पहले मैं नमाज पढ़ूंगी, ठीक है, अजान का टाइम हो गया है, आज जोहर छुट्टी है और असर की अजान हो चुकी है, तो असर की नमाज पढ़ेंगे, तब तक अब्दुल्ला भी आ जाएंगे, फिर खाना खाना खाएंगे और फिर आहत को सुलाएंगे और थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अभी से ही लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट कर दे, ठीक है, देखते साथ ही वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज जरूरी है, ठीक है। मम्मा का पेट पे लग गए, गो शट द डोर प्लीज, एसी चल रहा है, शट द डोर प्लीज, जो एसी बंद, वो बंद करके आओ, वो फिर खाना खाते हैं। हाँ क्लोज 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 द डोर, डोंट डोंट गो, कम हियर, ठीक है। ओ है ओए, मुझे टकरे मारे हो आप। चलो आप नमाज पढ़े, इधर आओ जल्दी से, नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर करे, अल्लाह अकबर। What is it, आहर? Child. लगी ना हाथ पे, किधर गई है? गुम गई, रबर गुम गई, किधर गिर गई? ये उठाओ, अच्छा वो लेके आओ जाय नमाज, लेके आओ वो जाय नमाज, वो वहां से जाय नमाज लेके आओ, चलो आओ जाय नमाज, इधर नमाज पढ़े, आओ नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ेंगे ये। अकेले मम्मा
ओए ओए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आउच, खड़े हो जाओ, ओके खड़े हो जाओ ना, दिखाओ लगी तो नहीं कहीं पे डांस। ओहो गिरते डटे थे बैठे रहते। ठहरो ठहरो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, पहले पहले बिछाने तो दो ना, उल्टा बिछ गए। हाँ क्या हो गया बुब, सीधा करो सीधा, जाए नमाज सही से। ओ वेरी गुड, ये किसका, ये किसकी कैप है, कैप पहनो, कैप पहनो, ये कैप पहनो, ये नमाज पढ़ने के लिए कैप पहनते होते हैं। इधर देखो, लुक एट दिस, आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ माज पढ़े, नहीं पढ़नी, मम्मा पढ़ ले, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी माज पढ़े, आओ नमाज, चलो चलो इधर पढ़ो नमाज, माज पढ़ो। ओ इधर आओ, खड़े उठे, खड़े उठ जाओ माज वाले बच्चे। उठो उठो उठो, शाबाश, यस, आओ इधर आओ। अच्छा चलो मम्मा पर, मम्मा अब नमाज पढ़ने लगी, कहाँ बुबू है, आप पहले बार बार भाग रहे हो, फिर बुबू तो होगा ना। ओ बुबू कैब घूम गई, मम्मी, ओ मम्मी, आहत वेयर आर यू, आई आहत, आहत वेयर आर यू, आई आहत, ओ आहत वेयर आर यू, और उठाओ नीचे से कैब, जल्दी से जल्दी उठाओ, चलो ये उठाओ नीचे से जल्दी से, चलो नमाज पढ़े फटाफट, पीछे हटो हटो हटो, मम्मा पढ़े, हट जाओ हट जाओ लड़के, हट जाओ। अच्छा मैं नमाज इसलिए नहीं शुरू करी क्योंकि जैसे मेरा नमाज शुरू करनी है और नीचे सजदे में जाना, इसने मेरे ऊपर बैठ जाता, ये घोड़ा बन जाता मेरे, मुझे घोड़ा बना देता फिर। हाँ जी, तो पहले मैं इसका बंदोबस्त करूंगी और फिर नमाज पढ़ूंगी, वरना ये तो ये आगे लेट जाता है, उसे नमाज भी नहीं पढ़ देता, सजदा भी नहीं। हाँ हाँ जी, क्या ले आए बेटा, खाली है ये, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, चले गई, कहाँ जाना है, ईशा के घर जाना है, ट्रिप पे चले, ओ टूटेगा, टूटेगा फिर कैसे जाएंगे हम, टूट जाएगा, टूट जाएगा लड़के, आहा टूटेगा बेटा, यस है, ओके यस, लेट्स गो ऑन द बेड, देयर इज मॉन्स्टर, फेस मॉन्स्टर दिखाओ, इधर 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 क्या हुआ, ये दिखाओ, ये इधर क्या चोट लगी है, ओए चोट लग गई है, कैसे लगी बुबू, ये बुबू कैसे हुआ है, बुबू कैसे हुआ है, ये बुबू कैसे हुआ, ये वाला, ये देखो इधर बुबू हुआ है, कहाँ कहाँ से चोट लगा, दिखाओ नेल्स, दिखाओ नेल्स, नेल्स तो अभी आपके ठीक है, कट नहीं होने वाले इसमें, पापा, पापा,
दिखाओ बुबू। बुबू तो नहीं हुआ था ये, तो पोलियो के कतरे पिए थे आपने, पोलियो ड्रॉप्स के वो तो निशान। लेट्स गो टू बेड। चलो बेड पे चलते हैं अभी, दुदू दुदू बना के देती हूँ मैं अपने बेटे, वेलकम दुदू देती हूँ और फिर चलते हैं बेड पे, ठीक है? चले मम्मी वेलकम वेलकम। चलो आओ आओ दुदू दुदू अपने बेटे को, फिर सोई करेंगे। मैंने कहा था आज मैंने कोई काम नहीं करना, और इसको नहला, कपड़े खराब कर लिए थे अपने, रोटी कर ली थी कपड़े, और वैसे भी कल के पहने हुए थे, गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो नहला दू। आज ये टावल रखो, टावल रखो, मैं कपड़े लेके आ रही हूँ, टावल पहन के रखो। ये क्या कर रहे हो? किधर हो आहद? आहद वेयर आर यू? पिकाबू। बस सही चलेगा, चलो अब चलाओ, अब चलाओ। दे दो ये मम्मा को, चलो यू आर वेलकम। You're welcome. Yeah. Welcome. Wow. बस आते हमारा यही काम होता है, हम बस आपस में माँ बेटे जो ना यही काम करते रहते हैं। जी और इसको आज मैंने टीवी नहीं लगा के दिया, बिकॉज अभी लगा दूंगी, लेकिन कल मुझे इसके अब्बा से बहुत डांट पड़ी, इसने ये जो स्क्रैचेस चलाए थे वो जो है कहने लगे कि ये एलईडी खराब हो जाए, तो फिर मैं इसे ही खराब कर दूंगा, फिर खुद ही खरीदना माँ बेटे एलईडी, ठीक है? अब इसको दूध देती हूँ और फिर खाना खाती हूँ, चाय चलाती हूँ। आओ दूध लेके आए, बस छोड़ दो, आ जाओ। हाँ अब्दुल्ला मुझे नान हलीम देंगे और वो चले गए खुद, इसलिए मेरे इर्द गिर्द इतना घूम रहा है, वरना ये बाकी इर्द गिर्द घूमता ज्यादा, ठीक है? तो चलो जी, मेरी यहाँ पे नान और हलीम मैंने प्लेट में निकाल लिया है, आहद यहाँ पे दूध पी रहा है, और ये कुछ खाता नहीं है, मुझे समझ नहीं आती मैं इसको खिलाने के लिए क्या करूँ। जब इसको भूख लगी होती है ना बहुत ज्यादा, तो खा लेता है, लेकिन मोस्टली नहीं खाता, सिर्फ दूध पे है। यहाँ पे मैंने इसे कार्टून लगा दिए, और आज मैंने इसे कार्टून जो है ना वो लगा के दिए इस टाइम, क्योंकि अब्दुल्ला नहीं है, कल इसने जो नुकसान किया था अब्दुल्ला ने कहा, मना कर दिया कि इसको कार्टून दिखा ले, तभी तो ये ग्रिल आज कॉट के ऊपर है और ये वहां नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो आगे जाके देखता है कार्टून, खाना खाते है पहले बिस्मिल्लाह मतलब खाना खा के मिलते हैं। चलो मिर्चे लग रही है, इसको खिलाया लेकिन इसको मिर्चे लग रही है, मिर्चे लग रही है आपको? इज इट स्पाइसी? चल दूध पी लो, दूध पीते तो फिर इसको मुंह में मिर्चे लगती है। चलो जी मैंने खाना खा लिया, और ये मेरे पास देखे क्या लेके, ये क्या है, व्हाट इज इट? खोई टॉयज, टॉयज नहीं है ये, मम्मा की एल्बम है। चले जी मेरी शादी की एल्बम है जो ये ले आया है, और ये अब देखने भी नहीं देगा, कह रहा खोलो खोलो मजाज है, खोलो मजाज मम्मा जान खोलो, लेट मी ओपन इट, नो वाओ, देख रुको 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 रुको, वन टू थ्री, कौन है ये? बैठो 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 बैठो, सिट डाउन, कौन है ये? डैडी और मम्मी, डैडी और मम्मी, लेट्स ओपन इट ना, छापा नहीं फाड़ो पहले, मेरी शादी, हाय मेरी शादी, हाँ डैडी एंड दिस इज नो, दिस इज नॉट फनी, नॉट फनी, इधर बैठ के मम्मा के पास, मम्मा के पास बैठ के देखो। अच्छा ये मैं ज्यादा खोलती नहीं, क्योंकि मैं जब खोलती तब आहद यही हालत करता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट आहद, एक मिनट, सबको दिखाए ना, सबको सबको दिखाए, पीछे पीछे जो फट जाएगी, पीछे जो फट जाएगी,
ये मेरी है मेहंदी की लुक। आहत ये कौन है बताओ पहले। दिस इज माई मेहंदी लुक। हाँ डैडी के पास चलते हैं, अभी डैडी की भी देखते हैं पहले। डैडी के दीवाने ठहर जा, डैडी के ये डैडी का दीवाना है बस, माँ को कोई नहीं पता। दरअसल ये मुझे पहचान नहीं रहा क्योंकि मैं पहले बहुत पतली थी और अब मोटी होगी तो अब। अच्छा सबर वेट, मारूंगी अब मैं, पिटाई करूंगी। मम्मी चुप, ये कौन है? अच्छा यहाँ पे आपको बिरला की मेहंदी की कोई तस्वीर नहीं दिखेगी, बिकॉज हमारी जो शादी थी, हमारा जो निकाह था वो मेहंदी से मेहंदी वाले दिन था। मेहंदी वाले दिन दोपहर को हमारा निकाह था, तो अब्दुल्ला की तस्वीर नहीं दिखेगी उसी दिन जो है मेहंदी वाले दिन। ओहो आहत वेट करो सबर, ऐसे पुट योर फिंगर ऑन योर माउथ। मेहंदी वाले दिन और निकाह वाले दिन, आप अपना टीवी देखो अब। चलो वो देखो आप। अच्छा जिस दिन हमारा मेहंदी थी, हमारी मेहंदी वाले दिन दोपहर में हमारा निकाह था, और जैसे ही हमारा निकाह हुआ, साइन वाइन हुआ, तो फोन आ गया। अब्दुल्ला की फूफो की डेथ हो गई है, उनको कोविड था। जो हमारी शादी हुई थी वो लॉकडाउन और कोविड में हुई थी, और लॉकडाउन के बाद हुई थी। मतलब लॉकडाउन तो खुल चुका था लेकिन जो है वो कोविड चल रहा था, तो उन्हें कोविड हो गया था, और कोविड की वजह से हमारी मेहंदी और निकाह वाले दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए अब्दुल्ला की यहाँ पर मेहंदी की कोई तस्वीर नहीं होगी, बिकॉज इन्होंने मेहंदी नहीं की थी, और निकाह पे भी हमारा फोटोशूट नहीं था। वो मैं साथ थोड़ी थोड़ी तस्वीर लगा दूंगी जो मेरे पास मोबाइल में होंगी, लेकिन फोटोशूट नहीं हुए थे दोनों मेहंदी के और निकाह के, क्योंकि वो फिर इनके हो गया था, इनकी तरफ से अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे, फिर हुआ ही नहीं था। मेरी जो तस्वीरें हुई थी वो मोबाइल वगैरह पे खींची गई थी, और हमारी मेहंदी भी हम कैंसिल कर देते, लेकिन हमारे तरफ सारे गेस्ट आ चुके थे आउट ऑफ सिटी से, खाना बन चुका था, सेटअप लग चुका था, तो फिर मेहंदी हमारी तो हुई थी। जी बेटा देखते हैं अभी, तो अभी अब इसमें आपको अब्दुल्ला की कोई मेहंदी की नहीं दिखेगी, मतलब इन्होंने मेहंदी की ही नहीं थी तो फिर दिखेगी कहाँ से। ठीक है, दिस इज माई मेहंदीज पिक्चर। पता नहीं क्या क्या पोज बनवाए थे, और मैं तो मुझे मुझे तो पता ही नहीं था, जो पोज मैं यहाँ बना रही हूँ वो मैं पहली दफा जिंदगी में बना रही हूँ। मतलब लाइक मैं इतनी कोई वो नहीं हूँ। ये रुको रुको, ये मेहंदी का ड्रेस था, ये मेरी इन लॉज की तरफ से था। ठीक है, उस टाइम यही ट्रेंड चल रहा था, तो ये वेट ना वेट, सबको दिखाऊं, सबको पिक्चर दिखाएं। हाँ सबको सबको दिखा दूं, सबको सबको दिखा दूं, सबको सबको दिखा दूं। हुई शी और बारात पे भी थे, क्योंकि मेहंदी के अगले दिन ही बारात थी, तो शुक्र है शादी पोस्टपोन नहीं हुई थी, बिकॉज सारे हॉल्स वगैरह का इंतजाम हो गया था, तो शादी पोस्टपोन तो नहीं हुई, लेकिन ये जनाजा करके तो फिर दोपहर की बारात थी। सुबह जनाजा था 10 बजे और दोपहर 12, 12:30 बजे 1 बजे की बारात थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे। और लेकिन कोई डोल ढमका नहीं, बड़ी सादगी से की थी, लेकिन जो जाहिर है जो इवेंट वगैरह था वो तो हमने किया ही था। सो दिस इज माई बारात लुक। नो मम्मी ये देखें। अच्छा ये मैंने कोई, मैं मेरे ख्याल से दूसरी दफा देख रही हूँ, मैंने इसको देखा ही नहीं था, मैंने इसको देखा ही नहीं था, मैं कोई दूसरी दफा इसे देख रही हूँ, बिकॉज इसके साथ नहीं देख सकते, इसके साथ पहले भी मैंने जब देखी है इसके साथ ही देखी है, और मैं खुद देख ही नहीं पाती। अब तो आपको दिखाने की वजह से मैं देख रही हूँ, इधर दिखा रही हूँ लेकिन नहीं आहत। और क्योंकि ये बारात पे लेट हो गए थे, क्योंकि दिन की बारात थी और बारात पे ही लेट हो गए थे और फोटो शूट हुआ नहीं था, तो फिर हमने घर आकर ही फोटो शूट किया था। ये सारा हमारे घर का फोटो शूट है। ठीक है, घर आके हमारे कमरे में जो ये 4-5 तस्वीरें अब्दुल्ला के साथ मेरी शादी। आहत बस, तू फट जाएगी, ये टूट जाएगी, दुदू पियो अपना।
घर आके जो बिला का थोड़ा फोटो शूट हुआ था मेरा, वो वही हुआ था बस, क्योंकि हॉल में तो कोई फोटो ली नहीं थी ना। अच्छा दिस इज बस, दिस इज मम्मी। मम्मी किधर है? मम्मी बैठी हुई है। और डैडी? वेरी गुड भाई, पहचान गया बच्चा मुझे भी, मुझे भी पहचान गया। बिग डैडी और बिग मम्मी। चलो पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। अच्छा ये बंद करो, पीछे जो। वाओ वाओ नाइस। ओ पाँव नहीं रखने, इधर बैठ के नाइस करो। वाओ डैडी एंड मम्मी, कितने जवान हुआ करते थे हम। वैसे तो 4 साल पुरानी बात है। ये मेरी वलीमा की लुक है, वलीमा का ड्रेस, वलीमा की लुक। वलीमे वाले दिन हम थोड़ा सा रिलैक्स थे, बिकॉज वलीमे वाले दिन हम टाइम पे भी पहुंच गए थे, और क्योंकि जाहिर है, और सबसे पहले दुल्हन पहुंची थी वलीमे पे, कोई और बंदा था ही नहीं, इसलिए मैंने अपना इतना सारा फोटो शूट करवाया। ये देखे ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा स्टिकिंग करवाई थी, और मुझे बहुत सूट की थी ये स्टिकिंग, बहुत ही लाइट कलर करवाया था। नो बेटे, नीचे नीचे रखो, नीचे रखो। नो डोंट, किधर है डैडी एंड मम्मी? And who is she? Mommy. And who is she? Mommy. This is sister Lloyd. Peter, Peter, Peter. Yes. Do. अच्छा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ ना। अच्छा वैसे I don't know what is going to. अच्छा मैं बिल्डिंग में भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे मेरी बारात की लुक ज्यादा अच्छी लगी, और सबने मुझे बारात वाला दिन ज्यादा पसंद किया। आप बताइएगा मैं बिल्डिंग में पे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, बारात पे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, या मेहंदी पे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। ठीक है चलो इसे बंद करते हैं फटाफट, इससे पहले के आहट जो है वो आ जाए और कहे। अब्दुल्ला वैद सभा, यही 2 दिनों की तस्वीरें हैं इन दोनों की इकट्ठी, बाकी तो बस हो गया था। अच्छा छोड़ो। ओके जी, खाना मैं खा चुकी हूँ, एल्बम मैं दिखा चुकी हूँ, एल्बम दिखाने का कोई वो तो नहीं था, लेकिन आखिर गया तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे कार्टून देख रहा है, और बिल्कुल नींद में जो है ना इस टाइम टुन है, सोने वाला है, क्योंकि सुबह 10 बजे से जाग रहा है, और अब तकरीबन 5:30 हो गया, तो ये सोएगा 1-1.5 घंटा ये सोएगा, तो फिर थोड़ा रिलैक्स, मुझे भी सुकून होगा, क्योंकि ये बहुत तंग करता है। मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लूंगी, काम करने का मूड तो नहीं था, लेकिन करना तो पड़ता है। बाकी सारे आप घरों के काम करो ना करो, बच्चे के तो करने पड़ते हैं। अब 1 घंटा इसने नहाने और सब चीजों में लगाया है, तो ठीक है। आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि मेहंदी बारात वगैरह में मैं कहाँ अच्छी लग रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे शादी हो गई थी, वरना शायद 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाती, पर ठीक है, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, अगर पोस्टपोन होती भी तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे, ठीक है। और अगर शादी पोस्टपोन हो जाती तो ये मुझे कैसे मिलता, ये पिता मेरा कैसे मिलता, व्हाट्स हैपन, ये मेरा बेटा, और ये मुझे कैसे मिलता।
ठीक है, और आई एम वेरी हैप्पी हैप्पी टू ब्लेस आई एम वेरी ब्लेस्ड और वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा शौहर मिला कि अच्छा बस चुप, कि जो तंग ही नहीं करता, बिल्कुल भी तंग नहीं करता, खाने पीने में ना करे, अच्छा बस चुप चुप, खाने पीने में ना करे नहीं हाँ इट्स स्केरी। अच्छा ये स्केरी स्केरी इसलिए कह रहा है क्योंकि कार्टून देख रहा है और कार्टून में जो है ना वो वहां पे मॉन्स्टर उसको दिख रहा है और इट्स स्केरी लग रहा है, उसको डर लग रहा है, इसलिए मेरे पास आ रहा। अच्छा चुप चुप चुप, मम्मा बात करी, हाँ स्केयर ऑफ मॉन्स्टर, ठीक है। सो वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जितनी भी किस्मत अच्छी ऐसी करे, पैसों के बगैर गुजारा हो जाता है, बट एक अच्छे शौहर के बगैर, अच्छे पार्टनर के साथ गुजारा। आहा आप शोर कितना मचाते हो, आप मम्मा को बात, ये इतना शोर मचाता है, मुझे लगता है मेरी आवाज बंद हो जाती है, चीख चीख शोर मचाता है, लगता नहीं मैंने क्या कहा क्या नहीं, मुझे भूल जाता है बाल सुखा। चलो जी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बीपी लो था, काम कोई नहीं करना था, लेकिन ब्लॉग मैंने फिर भी बनाया है, अपना वादा बिल्कुल पूरा किया है, रोज ब्लॉग आने लाने का और रोज ब्लॉगिंग करने का, ठीक है। व्यूज नहीं आ रहे कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। और चले जी, अल्लाह हाफिज। मेरा मेरा नहीं, मुझे मेरे बेटे को और मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने की तरह उनका बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।